पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले दो वर्ष में प्रदेश सरकार 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराने जा रही है। मुरादाबाद के पीतल उत्पादों को देखकर सीएम योगी जहां गदगद नजर आए, वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति का कोई जोड़ नहीं है। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया। हेलीकॉप्टर से मुरादाबाद के सर्किट हाउस पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली और सरकार संगठन के कार्यों को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकारी मशीनरी को लेकर कई सवाल भी उठाए। कार्यकर्ताओं को आश्वासन देने के साथ ही सीएम योगी ने सभी कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। सीएम योगी ने सर्किट हाउस परिसर में जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और मंडल के 5 जनपदों के पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादों का निरीक्षण किया। जो है उत्तर प्रदेश के माध्यम से अलग अलग विशेषता है, जो हमारी खूबी है उसके बारे में जान पाए और जब देश की अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करते हैं तो किस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य जो पूरे देश का अरे यार तुम नीचे रखो यार, भाई आप क्या नीचे रखो यार। इस दौरान मुरादाबाद के पीतल उत्पाद, अमरोहा की ढोलक और संबल के सींग उद्योग से जुड़े उत्पादों को दिखाया गया। प्रदर्शनी में उत्पादों को देखकर सीएम ने दस्तकारों का खूब हौसला बढ़ाया और मुद्रा योजना के लाभान्वितों को चेक वितरित किए। इस दौरान सीएम ने कारीगरों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मंशा के मुताबिक सुशासन और विकास उनकी प्राथमिकता है। पिछले 1.25 साल में प्रदेश में निवेश फ्रेंडली माहौल बनाया गया है। हर जनपद के अपने उत्पाद के ब्रांड मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने योजना बनाई है। सीएम योगी ने कहा कि अगले महीने लखनऊ में 75 जिलों से जुड़े उत्पादों को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे। सीएम ने कहा कि अगले 2 वर्षों में प्रदेश में इस योजना के जरिए 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप विकास और सुशासन का एक माहौल बने, यह हम सब की प्राथमिकता थी। पिछले 1.25 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कार्य करने का जो अवसर भारतीय जनता पार्टी सरकार को मिला है, हमने यहाँ पर निवेश फ्रेंडली माहौल बनाया है। यहाँ पर बड़े बड़े निवेशक तो आ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो हमारे परंपरागत उद्यम थे जिससे हमारी पहचान थी वह उपेक्षित रह जा पा रहा था। हम लोगों ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के दिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक अभिनव योजना प्रारंभ की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। इसके अंतर्गत हर जनपद के अपने परंपरागत उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उसकी मैपिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी डिजाइनिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसको एक्सपोर्ट की फैसिलिटी देने के लिए हमने बजट में अलग से व्यवस्था की है। और इसी दृष्टि से आज मुझे प्रसन्नता है कि मैं मुरादाबाद में आया हूँ। मुरादाबाद, संबल, अमरोहा आदि जनपदों के परंपरागत उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए आज यहाँ पर यह आयोजन किया गया है। अगले माह लखनऊ में भी हम एक बड़ा आयोजन पुनः करने जा रहे हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी या आदरणीय राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन भी मिलेगा और एक साथ उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के उत्पाद को
अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के साथ साथ जो हमारे उद्यमी इसके साथ लगे हैं, मुद्रा योजना के साथ, स्टैंड अप योजना के साथ, प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ते हुए उन्हें रोजगार, स्वावलंबन और उनके उत्पाद की ब्रांडिंग, उनकी मार्केटिंग, उनको नई डिजाइनिंग के साथ जोड़ने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के प्रशासन को जिन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस कार्य योजना का एक मूर्त रूप यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया और मुद्रा योजना के माध्यम से शासन की अन्य योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ने का प्रयास किया है। इसका एक बड़ा आयोजन अगले माह हम लोगों ने लखनऊ में भी आयोजित किया है और मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि आगामी 2 वर्ष के अंदर अकेले इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में हम 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार और स्वावलंबन के साथ जोड़ेंगे। क्या मुख्यमंत्री जी आज कहीं और रिएक्शन करेंगे सर? पब्लिक टीवी आपकी आवाज।